हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए, अपने चैप्टर नंबर 3 में हमने कुछ अध्ययन कर चुके थे, जिनमें अपना जो टॉपिक चला था जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण। और जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारणों में से अपने कुछ भाग हो भी चुका था। जनसंख्या वृद्धि का तात्पर्य होता है कि एक निश्चित इकाई क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले व्यक्तियों की जो संख्या होती है उसको हम जनसंख्या कहते हैं। और वही जनसंख्या यदि दो समय अंतरालों के बीच किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या में यदि परिवर्तन या बदलाव आता है तो उसको हम किस नाम से पुकारते हैं? जनसंख्या वृद्धि के नाम से। आज यदि देखा जाए तो विश्व के अंतर्गत, संसार के अंतर्गत जनसंख्या की जो स्थिति है वो एक तीव्र गति से एक विस्फोट की स्थिति ले रखी है। तो हमारा पिछले वाले जो वीडियो था उसके अंतर्गत हमारे मुख्यतः 4 टॉपिक हो चुके थे जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण। अब आज अपना नया टॉपिक जो चलेगा वो जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारणों में पांचवां जो टॉपिक होगा वो होगा वैज्ञानिक तथा प्राविधिक प्रगति। कहने का तात्पर्य है कि नवीन नए प्रावधि का तात्पर्य होता है नए आविष्कार या नई खोजों ने क्या किया है, मानव जीवन को क्या बना दिया है, आरामदायक बना दिया। और आरामदायक बनाने के कारण से सुविधाओं के परिपूर्ण होने से भी जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। तो अब अपना चलेगा जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण। तो लिखिए, जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण। और जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारणों में, या ये जनसंख्या जो तीव्र गति से बढ़ रही है इसके प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, जिनमें अपना पांचवा जो इसका टॉपिक होगा वो होगा नवीन तथा प्राविधिक का तात्पर्य होता है नई खोजें, नवीन का तात्पर्य होता है नया, प्राविधिक का तात्पर्य होता है खोज या आविष्कार, नवीन प्राविधिक प्रगति। क्या होगा पांचवा जो अपना टॉपिक है इसी में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण में नवीन तथा प्राविधिक की प्रगति। नवीन का तात्पर्य होता है नई, प्रावधि का तात्पर्य होता है खोज या अनुसंधान, प्रगति का तात्पर्य होता है विकास। कि नवीन आविष्कारों ने क्या किया है, मानव जीवन को क्या कर दिया है, आरामदायक तथा सुविधाओं से परिपूर्ण बनाने से जनसंख्या में वृद्धि हुई है। तो इसी के आगे तीर का निशान लगाकर हम लिखेंगे कि नवीन नवीन आविष्कारों ने मानव जीवन को आरामदायक तथा सुविधाओं से परिपूर्ण नवीन तथा प्राविधिक प्रगति नवीन आविष्कारों ने मानव जीवन को आरामदायक तथा सुविधाओं से परिपूर्ण बनाने से जनसंख्या में वृद्धि हुई है। पांचवां जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण, उसमें अपना पांचवां जो टॉपिक था या बिंदु था नवीन तथा प्राविधिक प्रगति। नवीन तथा प्राविधिक प्रगति का तात्पर्य होता है कि नवीन आविष्कारों ने क्या किया है, मानव जीवन को आरामदायक तथा सुविधाओं से परिपूर्ण बनाने से जनसंख्या में वृद्धि हुई है। अब फिर इसके बाद में छठवां जो टॉपिक है वो है प्रवास।
क्या है? प्रवास। देखिए सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि प्रवास से क्या तात्पर्य है, किसे प्रवास से क्या तात्पर्य है। देखिए प्रवास का तात्पर्य होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने मुख्य या जन्म स्थान को छोड़कर किसी दूसरे क्षेत्र में चला जाता है तो उसको हम किस नाम से पुकारते हैं? प्रवास के नाम से। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जनसंख्या वृद्धि के अंतर्गत प्रवास किस प्रकार से महत्वपूर्ण है कि प्रवास का तात्पर्य होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने मुख्य जन्म स्थान को छोड़कर किसी दूसरे क्षेत्र में चला जाता है तो ऐसी जो स्थिति होती है उसको हम किस नाम से पुकारते हैं? प्रवास के नाम से। कहने का तात्पर्य है कि ये जनसंख्या वृद्धि में कैसे सहायक हुआ कि मृत्यु दर की तुलना में, मृत्यु दर का तात्पर्य होता है मरने वाले व्यक्तियों की संख्या में, मृत्यु दर की तुलना में उच्च जन्म दर के कारण, यानी मरने वाले व्यक्ति नए नए आविष्कार होने के कारण से या चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार होने के कारण से मरने वाले व्यक्तियों की संख्या में क्या हुआ? कमी आ गई, परंतु जो जन्म दर थी वो उच्च थी। जन्म दर क्या थी? तीव्र गति से बढ़ रही थी। कहने का तात्पर्य है कि मृत्यु दर की तुलना में उच्च जन्म दर के कारण जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी, जिसके कारण से यूरोपीय जो निवासी थे उन्होंने बड़े पैमाने पर कहाँ जाने लगे? काम कार्यों के लिए, नए आविष्कारों के कारण से बड़े पैमाने पर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की ओर उन्होंने क्या किया? जाना शुरू कर दिया, जिसके कारण से जाने के कारण से या अपने मुख्य जन्म स्थान को किन्होंने? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इन लोगों ने क्या किया? अपने मुख्य जन्म स्थान को छोड़कर इन्होंने क्या किया? अन्य जो थे निवासी ने बड़े पैमाने के ऊपर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की ओर जाना शुरू कर दिया। प्रारंभ में तो इन महाद्वीपों में प्रवास के कारण से क्या हुआ? जनसंख्या में वृद्धि हुई। तो कहने का तात्पर्य है, प्रवास का तात्पर्य होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने मुख्य जन्म स्थान को छोड़कर किसी दूसरे क्षेत्र की ओर गमन करता तो उसको हम किस नाम से पुकारते हैं? प्रवास के नाम से। कि प्रवास जनसंख्या वृद्धि में किस प्रकार से सहायक रहा कि मृत्यु दर की तुलना में उच्च जन्म दर के कारण से क्या हुआ? जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी। जैसे उदाहरण के तौर पर यूरोपीय निवासियों ने बड़े पैमाने पर क्या किया? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, कहाँ? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की ओर प्रवास प्रारंभ किया, जिनके कारण से इन महाद्वीपों में प्रवास के कारण से क्या हुआ? जनसंख्या में वृद्धि हुई। तो लिखिए, देखिए प्रवास की उच्च जन्म दर के कारण, प्रवास कि जब कोई व्यक्ति अपने मुख्य या जन्म स्थान को छोड़कर किसी दूसरे क्षेत्र की ओर गमन करता है तो उसको हम प्रवास के नाम से पुकारते हैं। तो हमें यहाँ देखना होगा कि प्रवास की उच्च मृत्यु दर के कारण, प्रवास कि जब कोई व्यक्ति अपने मुख्य जन्म स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान की ओर गमन करता तो उसको हम किस नाम से पुकारते हैं? प्रवास के नाम से। तो यहाँ अपने को लिखना होगा कि मृत्यु दर की तुलना में उच्च जन्म दर, जन्म लेने वाले मृत्यु दर की तुलना में उच्च जन्म दर के कारण, मृत्यु दर की तुलना में उच्च जन्म दर के कारण कारण जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी, क्योंकि प्रवास मृत्यु दर की तुलना में उच्च जन्म दर के कारण जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी, क्योंकि यूरोपीय निवासियों ने उत्तरी अमेरिका कोमा
दक्षिणी अमेरिका, कोमा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की ओर, ऑस्ट्रेलिया की ओर प्रवास प्रारंभ किया, ऑस्ट्रेलिया की ओर प्रवास प्रारंभ किया जिससे इन क्षेत्रों में प्रारंभ में जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी। देखिए जनसंख्या में वृद्धि हुई या जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी, ये थे अपने जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण। इसके बाद में कि तीव्र गति से ये जनसंख्या बढ़ने के कारण से अन्य जो क्षेत्र थे या अन्य जो विश्व के अंतर्गत जनसंख्या वृद्धि से कई प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न होने लगी। तो आज अपना नया इसी के बाद में नया अपना टॉपिक हो गया कि जनसंख्या वृद्धि की समस्याएं, कि ये तीव्र गति से जो जनसंख्या आज बढ़ रही है इससे कौन कौन सी समस्याएं हो रही है। तो सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि की प्रमुख समस्याएं निम्नानुसार है। नंबर एक हो जाएगा भयावह, अत्यंत तीव्र और भयावह स्थिति, अत्यंत तीव्र और भयावह वृद्धि कि इसी प्रकार से यदि विश्व में जनसंख्या में वृद्धि होती रही तो लगभग 2040 तक पूरे विश्व या पूरे संसार की जो जनसंख्या हो जाएगी वो लगभग कितनी हो जाएगी, 1400 करोड़ हो जाएगी। तो समस्या के अंतर्गत अपने सबसे पहले लिखेंगे अत्यंत तीव्र और भयावह वृद्धि, उसी में लिखेंगे कि विश्व के अंतर्गत इसी प्रकार से यदि जनसंख्या की गति या जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती रही तो आने वाले समय के अंतर्गत लगभग 2040 तक लगभग विश्व की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 1400 करोड़ हो जाएगी। पहली समस्या आ जाएगी अत्यंत तीव्र और भयावह वृद्धि। तो लिखिए आगे हम लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि की समस्याएं, नया टॉपिक होगा अपना जनसंख्या वृद्धि की प्रमुख समस्याएं। तो पहला हो जाएगा अत्यंत तीव्र और भयावह वृद्धि कि यदि विश्व के अंतर्गत इसी प्रकार से जनसंख्या में वृद्धि होती रही तो संसार के अंतर्गत विश्व के अंतर्गत लगभग मुख्यतः 2040 तक विश्व की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 1400 करोड़ हो जाएगी, पहली समस्या। फिर उसके बाद में दूसरी समस्या है सीमित संसाधन। देखिए संसाधन का तात्पर्य होता है कि वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, ऐसे जो पदार्थ होते हैं उनको हम किस नाम से पुकारते हैं, संसाधन के नाम से। सीमित संसाधन कि जिन संसाधनों के द्वारा मानव का भरण पोषण होता है उनकी हमारे यहाँ पृथ्वी तल पर या स्थल भाग के ऊपर उनकी स्थिति कैसी है, सीमित है। यदि इसी प्रकार से यदि जनसंख्या में वृद्धि होती रही तो वो सीमित संसाधन कुछ दिनों के बाद में क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। अतः दूसरी समस्या क्या हो जाएगी, सीमित संसाधन। तीसरा हो जाएगा वितरण संकेंद्रित। वितरण संकेंद्रित का तात्पर्य होता है कि पृथ्वी तल के ऊपर एक तिहाई भाग के ऊपर, पृथ्वी तल के ऊपर या स्थल खंड के ऊपर मुख्यतः एक तिहाई भाग के ऊपर विश्व की मुख्यतः देखा जाए तो कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, 90% जनसंख्या निवास करती है। तो ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, अन्य जो भाग हैं वो क्या हो जाएंगे, उन क्षेत्रों में जनसंख्या कम विद्यमान होगी। एक तिहाई भाग पर कितनी जनसंख्या निवास करती है, 90% जनसंख्या निवास करती है। तो आगे हम लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि की प्रमुख समस्याएं। तो आगे अपना क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि की प्रमुख समस्याएं। जनसंख्या वृद्धि की प्रमुख समस्याएं पहला हो जाएगा अत्यंत तीव्र और भयावह, हेडिंग लाइन डाल लीजिए जनसंख्या
वर्दी की प्रमुख समस्याएं, कठिनाइयां, परेशानियां, जनसंख्या वृद्धि की प्रमुख समस्याएं, जनसंख्या वृद्धि की प्रमुख समस्याएं नंबर एक हो जाएगा अत्यंत तीव्र और भयावह है। क्या जनसंख्या वृद्धि की प्रमुख समस्याएं पहला हो जाएगा अत्यंत तीव्र और भयावह वृद्धि, अत्यंत पहला अपना टॉपिक पहली समस्या क्या है अत्यंत तीव्र और भयावह वृद्धि। अत्यंत तीव्र और भयावह वृद्धि का तात्पर्य है कि विश्व के अंतर्गत इसी प्रकार से यदि जनसंख्या बढ़ती रही या जनसंख्या में वृद्धि होती रही तो लगभग सन 2040 ईस्वी तक या 2040 ईस्वी तक विश्व की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 1400 करोड़ हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 1400 करोड़ हो जाएगी। तो लिखिए इसमें अत्यंत तीव्र और भयावह का वृद्धि के आगे लिखो वर्तमान काल में विश्व की जनसंख्या की वृद्धि दर अत्यंत तीव्र दर, वर्तमान काल में विश्व की जनसंख्या की वृद्धि दर अत्यंत तीव्र दर से है। यदि इस तीव्र गति से वृद्धि होगी तो विश्व की जनसंख्या 2040 ईस्वी तक 1400 करोड़ हो जाएगी। कहने का तात्पर्य है विश्व जनसंख्या वृद्धि की प्रमुख समस्या पहली समस्या है अत्यंत तीव्र और भयावह वृद्धि। अत्यंत या तीव्र भयावह वृद्धि का तात्पर्य है कि वर्तमान काल के अंतर्गत कौन से आज के समय के अंतर्गत मुख्यतः संसार की जो जनसंख्या है वो कैसी है अत्यंत तीव्र वृद्धि से हो रही है। यदि यही गति रही यही स्थिति रही तो आने वाले समय के अंतर्गत 2040 तक विश्व की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 1400 करोड़ हो जाएगी। क्लियर? तो देखिए जनसंख्या वृद्धि की प्रमुख समस्या में पहला था अत्यंत तीव्र और भयावह वृद्धि। अत्यंत तीव्र और भयावह वृद्धि का तात्पर्य है कि वर्तमान काल में विश्व की जनसंख्या की वृद्धि दर अत्यंत तीव्र दर से है। यदि यही तीव्र गति से वृद्धि होती रही तो आने वाले समय में विश्व की जनसंख्या 2040 तक विश्व की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 1400 करोड़ हो जाएगी। तो विश्व की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 1400 करोड़। क्लियर? अब फिर उसके बाद में दूसरी समस्या है सीमित संसाधन। दूसरी समस्या जनसंख्या वृद्धि की दूसरी समस्या है सीमित संसाधन। सीमित संसाधन का तात्पर्य है कि जिन संसाधनों के द्वारा मानव का या मनुष्य का भरण पोषण होता है ये संसाधन पृथ्वी तल के ऊपर कैसे हैं सीमित का तात्पर्य होता है बहुत ही सीमित मात्रा में, न तो ये ज़्यादा मात्रा में हम इनको बढ़ा सकते हैं
तो ऐसी स्थिति में यदि यही जनसंख्या रही तो आने वाले समय में ये सीमित जो संसाधन हैं जो मानव का भरण पोषण करते हैं, ये भरण पोषण करने वाले संसाधनों की कमी हो जाएगी और कमी हो जाने के कारण से क्या हो जाएगा, मानव का विनाश हो जाएगा। तो सीमित संसाधन का तात्पर्य लिखिए, सीमित संसाधन जिन संसाधनों से मानव का भरण पोषण होता है, जिन संसाधनों से मानव का भरण पोषण होता है, ये संसाधन पृथ्वी तल पर जिन संसाधनों से मानव का भरण पोषण होता है ये संसाधन पृथ्वी तल पर सीमित मात्रा में विद्यमान है। जिन संसाधनों से मानव का भरण पोषण होता है ये संसाधन पृथ्वी तल पर सीमित मात्रा में विद्यमान है। यदि इनका इसी प्रकार से दोहन होता रहा तो कुछ समय बाद यह संसाधन समाप्त हो जाएंगे जिसे मानव का भरण पोषण समाप्त हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए जनसंख्या वृद्धि की प्रमुख समस्याएं, पहला अत्यंत तीव्र व्यावृत्ति, नंबर दो सीमित संसाधन। सीमित संसाधनों का तात्पर्य होता है कि जिन संसाधनों से मानव का भरण पोषण होता है ये संसाधन पृथ्वी तल पर कैसे हैं, सीमित मात्रा में विद्यमान हैं, और सीमित मात्रा में विद्यमान होने के कारण से यदि ये जनसंख्या इसी गति से या जनसंख्या इसी गति से तीव्र गति से बढ़ती रही तो आने वाले समय के अंतर्गत क्या हो जाएगा, ये संसाधन क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, जिसके कारण से मानव का भरण पोषण समाप्त हो जाएगा। अब फिर इसके बाद में जनसंख्या वृद्धि की मुख्य समस्या नंबर तीन है कि मुख्यतः बिना बसे भूभागों में निराशा। यानी कहने का तात्पर्य है कि जिन क्षेत्रों के अंतर्गत जनसंख्या मुख्यतः कम मात्रा में विद्यमान होती है, आज देखा जाए तो 70% जो भूभाग है उसके अंतर्गत मानव बहुत ही कम मात्रा में विद्यमान हैं। यानी पृथ्वी पर बिना बसे भूभागों का जो क्षेत्रफल है वो पृथ्वी पर समस्त क्षेत्रफल का लगभग कितना है, 70% है। इससे भी मुख्यतः मानव निवास होने या बढ़ने की आशा नहीं है। तो आगे अपना तीसरा जो होगा वो होगा बिना बसे भूभागों में निराशा। तीसरी समस्या क्या हो जाएगी भैया, जनसंख्या वृद्धि की तीसरी समस्या है बिना बसे भूभागों में निराशा। तीसरी जो समस्या है जनसंख्या वृद्धि की बिना बसे भूभागों में निराशा। तीसरा देखो, बिना बसे भूभागों में निराशा।
बिना बसे भूभागों में निराशा का तात्पर्य है कि पृथ्वी तल के ऊपर आज भी पृथ्वी तल के ऊपर बिना बसे भूभागों का जो क्षेत्रफल है पृथ्वी पर बहुत ही कम है। समस्त क्षेत्रफल का लगभग कितना है 70%। समस्त क्षेत्रफल अपना उसके अंतर्गत 70% जो क्षेत्र है इसे मुख्यतः मानव निवास होने या बढ़ने की आशा नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि आज भी पृथ्वी तल के ऊपर 70% भूभाग ऐसा है जिसके ऊपर मानव बसने या मुख्यतः नया निवास क्षेत्र बनाने की वहाँ आशा नहीं है। ये भी एक बहुत समस्या है। तो बिना बसे भूभागों में निराशा के लिए के आगे लिखो पृथ्वी पर बिना बसे भूभागों में निराशा होना कि पृथ्वी तल पर समस्त क्षेत्रफल का लगभग 70% भाग कितना प्रतिशत 70% भाग है जिस पर जनसंख्या बसने या निवास करने की आशा नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि पृथ्वी पर बिना बसे जो भूभाग हैं उनके अंतर्गत पृथ्वी के क्षेत्र के ऊपर समस्त क्षेत्रफल का लगभग 70% है और इस भूभाग के ऊपर मानव का जो भाग है मानव का जो निवास है वो बहुत ही कम है। ये भी एक समस्या है। फिर उसके बाद में चौथा जो है वो होगा वितरण सकेंद्रित। कौन सा होगा भैया? चौथी समस्या है वितरण सकेंद्रित का तात्पर्य होता है एक ही जगह पर विद्यमान होना। कहने का तात्पर्य है कि पृथ्वी तल के ऊपर समस्त जो भूभाग है उसके ऊपर सभी जगह पर जनसंख्या समान रूप से विद्यमान नहीं है। पृथ्वी तल के ऊपर समस्त भूभाग पर जनसंख्या सभी जगह पर सर्वत्र विद्यमान नहीं है, सभी जगह एक समान नहीं है। मात्र एक तिहाई पृथ्वी तल का या स्थलखंड का एक तिहाई भाग ऐसा है जिसके ऊपर मुख्यतः कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 90% जनसंख्या निवास करती है। तो ये भी एक समस्या है। यानी संसार की केवल थोड़े से भूभाग पर ही जनसंख्या निवास करती है, मुख्यतः एक तिहाई जो थलखंड भाग है उसके ऊपर मुख्यतः 90% जनसंख्या निवास करती है। तो अपना चौथा जो भाग होगा कि पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण सर्वत्र समान नहीं है। तो वितरण सकेंद्रित पर आगे लिखोगे, वितरण सकेंद्रित पर का तात्पर्य होता है कि पृथ्वी पर वितरण सकेंद्रित व्यक्तियों का एक जगह समान नहीं होना, वितरण सकेंद्रित पृथ्वी पर जनसंख्या सर्वत्र एक समान सभी जगह
पृथ्वी पर जनसंख्या सर्वत्र एक समान नहीं है। सभी जगह क्या है, पृथ्वी पर जनसंख्या जो है वो सभी जगह पर एक समान नहीं है, केवल केवल थोड़े से भूभाग पर ही जनसंख्या विद्यमान है। यानी वितरण संकेंद्रित का तात्पर्य है पृथ्वी पर जनसंख्या सर्वत्र एक समान नहीं है, केवल थोड़े से भूभाग पर ही जनसंख्या विद्यमान है या संकेंद्रित है, विद्यमान है, केवल एक तिहाई थलखंड या स्थलखंड केवल एक तिहाई थलखंड पर 90% जनसंख्या केवल एक तिहाई थलखंड पर ही 90% जनसंख्या संसार की विद्यमान है या निवास करती है, विद्यमान है। अतः है जनसंख्या की वृद्धि दर, यदि जनसंख्या की वृद्धि दर होने से संसार में कुछ भागों में ही जनसंख्या का भार बढ़ता जा रहा है जैसे एग्जाम्पल के रूप में जैसे चीन जापान कोरिया भारत